आजकल भी परिवारों में उस धुंधली जैसी बहुत सी बहुएं हैं जिनको ना अपने पति की चिंता, ना पति के मान सम्मान की चिंता, ना अपनी सास के मान सम्मान की चिंता, ना अपने परिवार की मर्यादा की चिंता। एक बहू है, नई नई शादी हुई थी, अच्छे बड़े परिवार से आई थी, पप्पू से शादी हो गई उसकी और पप्पू के घर पे बहू आ गई। पप्पू भी माता पिता का परिवार का इकलौता बेटा था, अच्छा बड़ा व्यापार था पप्पू का। विवाह हो गया, बहू घर पे आ गई, मेहमान भी दो तीन दिनों में अपने अपने घर विदा हो गए। अब घर पे माँ, बेटा और बहू तीन जने, घर बड़ा था काफी। पप्पू अच्छी नौकरी करता था, अब दो तीन दिन के बाद पप्पू को सुबह अपनी नौकरी पर सुबह टाइम से निकलना था। अब पप्पू तो ये सोच रहा था कि बड़ी संस्कारी बहू आई है, सुबह नौकरी पे मुझे 7 बजे निकलना है और ये सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना देगी, घर की सारी सफाई कर देगी, माँ को भी काफी आराम पहुंचेगा। बड़ा खुश हो रहा था, रात को स्वप्न देख रहा था, बड़ी आनंदमय नींद ले रहा था कि कल से तो हमारा जीवन ही बदल गया, मुझे भी घर का काम करना पड़ता था उससे भी अब जान छूटी, माँ भी अब आराम करेगी और अब तो बहू आ गई, सारा काम संभाल लेगी। लेकिन सुबह जब पप्पू के जाने का समय होने वाला था तो माँ ने देखा कि बहू तो अभी तक सोई पड़ी है, तो जल्दी से फटाफट उठी और पप्पू के लिए उसने चाय नाश्ते का फटाफट इंतजाम किया और झाड़ू लगाने लग गई, घर की सफाई भी करने लग गई। पप्पू ने अब कमरे का दरवाजा खोला, बहू और बेटा दोनों ही उठ गए, देखा माता सामने झाड़ू लगा रही है। अब मां ने सोचा कि अभी नई नई बहू आई है, झाड़ू वाड़ू मैं ही लगा लेती हूँ, मैं बहू को नहीं भूलूंगी, ना ही बेटे को इसकी शिकायत करूंगी, खामखा बदनामी होगी, कल को बात बढ़ सकती है, जग हसाई बनेगी, सबको पता लग जाएगा। अब बेटा जब उसने देखा दरवाजा खोल कर कि सामने माँ झाड़ू लगा रही है, उसने मन में एक विचार किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बहू खुद माँ के हाथ से वो झाड़ू घर ले ले और खुद सफाई करे, खुद घर के काम करे। उसने कहा, उसने मन में सोचा कि मैं जाता हूं और माँ से थोड़ा ऊंचा बोलता हूं कि माँ तू ये क्या कर रही है, झाड़ू मैं लगाऊंगा, हम दोनों जब आपस में वाद विवाद करेंगे तो बहू खुद कह देगी कि नहीं झाड़ू ये तो मेरा काम है, मैं खुद लगाऊंगी। तो बेटे ने माँ के पास जाकर ऊंचा ऊंचा बोला कि हे माँ तू क्या कर रही है, अब तो घर में बहू भी आ गई है, तू झाड़ू क्यों लगा रही है, इस उम्र में तुझसे चला तो जाता नहीं, तू इतना प्रसन्न हो रही है झाड़ू लगा रही है, तूने मेरा चाय नाश्ता भी बना दिया है, ला दे मुझे दे झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने बोला नहीं बेटा ये क्या बात कर रहा है, बेटा तेरी नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है, झाड़ू तू नहीं लगाएगा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। बेटा भी जिद्दी था। अब दोनों ने झाड़ू पकड़ लिया, माँ ने भी झाड़ू पकड़ ली, इधर से बेटे ने भी पकड़ ली, माँ बोले झाड़ू मैं लगाऊंगा। दोनों बोले, बेटा बोले मैं लगाऊं,
माँ बोले मैं लगाऊंगी। दोनों ने झाड़ू पकड़ के विवाह शुरू कर दिया। अब बहू सामने सब कुछ देख रही थी। बहू भी पहुंची हुई थी। उसने बोला कि माताजी और पति देव, आप आपस में क्यों विवाद कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो सुबह सुबह। अब माँ बोली बेटा झाड़ू मैं लगाऊंगी। और बेटा बोला झाड़ू मैं लगाऊंगा। पत्नी बोली तुम झगड़ा मत करो, तुम दोनों दिन बांट लो, एक दिन झाड़ू तुम लगाओ, एक दिन झाड़ू तुम लगाओ, बात ही खत्म, क्यों कलेश कर रहे हो। तो इस प्रकार से आजकल की बहुएं भी ऐसी आ गई हैं।